और लखनऊ में सीएम योगी ने शनिवार को वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का शुभारंभ किया। 24,000 वर्ग फुट में फैला ये सेंटर ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली और सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों को मदद मिलेगी। साथ ही 9 फरवरी से लोगों को वीजा एप्लीकेशन दिल्ली के बजाय लखनऊ में स्वीकार होने लगेगी। सीएम ने कहा है कि वीएफएस ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर दुनिया के लिए यूपी के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। इससे हर महीने यूरोप जाने वाले यूपी के लाखों को फ़ायदा होगा और ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ में खुलने से सबसे ज़्यादा फायदा यूरोप जाने वाले पर्यटकों और स्टूडेंट्स को मिलेगा। बता दें कि लखनऊ वीएफएस ग्लोबल वीएससी स्थापित करने वाला 21वां शहर बन गया है। वर्तमान में भारत के लिए दुनिया के जिन 12 देशों में पासपोर्ट और वीज़ा सेवाओं को यह कंपनी आउटसोर्स वीज़ा सेवा पार्टनर के तौर पर काम कर रही है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर वीएफएस ग्लोबल विभिन्न सरकारों और दूतावासों को वीजा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग और तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने की दुनिया की एक अग्रणी कंपनी के रूप में अपना स्थान बना चुकी है। मुझे याद है कि वर्तमान में भारत के लिए दुनिया के जो 12 देशों में पासपोर्ट और वीजा सेवाओं को यह कंपनी प्रथम आउटसोर्स वीजा सेवा पार्टनर के तौर पर कार्य कर रही है। इस प्रदेश के न केवल 24 करोड़ की आबादी बल्कि उत्तर प्रदेश के से जुड़े हुए अन्य राज्यों के नागरिकों को भी यहां से सुविधा देने में हम लोग यह कंपनी सफल होगी। मैं एक बार फिर से वीएफएस ग्लोबल को और इसके संस्थापक सीओसी जुबिन करकरिया को और उनकी पूरी टीम को लखनऊ में अपनी सेवा को प्रदान करने और वहां भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ठीक पूर्व एक सप्ताह पूर्व इस सेवा को यहां प्रारंभ करने के लिए